महाराजगंज के ब्रिजवंश थाना क्षेत्र के सुरहट टोला पिब्राहना में शुक्रवार शाम 4 बजे जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्ष में भीषण मारपीट हुई। लाठी डंडा व पथराव भी शुरू हो गया। मारपीट के दौरान ही गाड़ी चलने से सनसनी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची ब्रिजवंश थाना अध्यक्ष कमलेश सिंह ने मारपीट में घायल 4 लोगों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से ब्रिजवंश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। बता दें कि मामला ग्राम सभा सुरहा के टोला पिपराना के हरिजन बस्ती में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद एक पक्ष द्वारा गोली चलाने से दूसरे पक्ष के देवेंद्र कुमार पुत्र मेघनाथ सहित 4 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मेघनाथ द्वारा 10 वर्षों से एक जमीन पे भूसा रखने के लिए एक झोपड़ी रखी गई है, जिससे वह 10 वर्षों में भूसा रखता है, जिसमें मेघनाथ द्वारा शुक्रवार को भूसा रखा जा रहा था कि अचानक दूसरे पक्ष के सुभाष और उसके घर वाली जमीन अपनी बताकर विवाद करने लगे और मामला मारपीट में बदल गया। तभी सुभाष पुत्र रामचल द्वारा देवेंद्र पुत्र मेघनाथ के ऊपर गोली चला दिया गया। गोली लगने से देवेंद्र घायल हो गए और मारपीट में मेघनाथ सहित 4 लोग घायल हो गए। गनीमत यह रही कि गोली एक व्यक्ति के सीने के किनारे से निकल गई। ब्रिजवंश के थाना अध्यक्ष कमलेश सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को इलाज के लिए ब्रिजवंश CSC में भर्ती करा दिया गया है। घटना को लेकर घायलों का बयान दर्ज किया जा रहा है। प्रकरण की गहनता से छानबीन शुरू कर दी गई है। इस मामले में शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ दो पक्ष जो एक ही बिरादरी के हैं उनमें आपस में जमीन को लेकर कुछ विवाद और मुकदमेबाजी चल रही थी। आज लगभग 5 बजे शाम को दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ। पहले लाठी डंडा चला, फिर एक पक्ष से एक फायर किया गया जिसमें 4 लोगों को चोटें आई हैं। सभी की हालत ठीक है। इस मौके से 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 4 पुरुष हैं, 1 महिला है, और इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं DBS News।